खबर रांची से है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने साफ तौर पर कहा है कि डेमोग्राफिक बदलाव बहुत बड़ा चिंता का विषय है और भारत सरकार इस पर गंभीर है। सरकार बहुत जल्द इस पर कुछ ना कुछ निर्णय लेगी। विशेष जानकारी के लिए रांची से हमारे साथ हमारे वरीय सहयोगी शुभम कुमार जुड़े, आइए उनसे जानते हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी है इस विषय को लेकर आपको? आवाज नहीं आ रही आपकी शुभम। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है शुभम। बिल्कुल आदित्य, देखिए जी, जो मुद्दा है कहीं ना कहीं राज्य का चिंता का विषय बना हुआ है और इसी वजह से राज्य की मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार को लगातार घेरने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी लगातार मुखर होकर डेमोग्राफी का मुद्दा सदन से लेकर अब सदन के बाहर तक, कह सकते हैं तमाम जिलों में जा जाकर डेमोग्राफी के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। संथाल में डेमोग्राफी को लेकर चिंता का विषय जरूर बरकरार आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस के दिन राज्यपाल संतोष गंगवार दुमका पहुंचे, दुमका के बाद वो जामताड़ा भी पहुंचे। उन्होंने जामताड़ा में पत्रकारों से बात करते हुए साफ कहा कि जो डेमोग्राफी का मुद्दा है वो चिंता का विषय है, इस पर केंद्र सरकार चिंतित है। भारत की जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, इस पर चिंतित है। हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान भी लिया है, लेकिन अभी वो नए नए झारखंड के राज्यपाल बने हैं, वो लगातार उन जगहों पर जाकर के जायजा ले रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, सभी का आकलन कर रहे हैं। उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट वो जरूर तैयार करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो डेमोग्राफी को लेकर और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय झारखंड के लिए, क्योंकि संथाल में ये बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि जो इस तरीका से संतोष गंगवार, जो कि झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में उन्होंने पद ग्रहण किया है, राज्य के सर्वोच्च पद पर विराजमान है संतोष गंगवार, अब यह देखना होगा कि उनका क्या दिशा निर्देश होता है इस चीजों को लेकर। हालांकि वो नए नए झारखंड के राज्यपाल बने हैं, चीजों से अभी रूबरू हो रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ये केंद्र सरकार का विषय है, केंद्र सरकार इस पर चिंतित है, जल्द इसका समाधान किया जाएगा। कहीं ना कहीं राज्य के सर्वोच्च पद पे विराजमान है संतोष गंगवार, उनके तरफ से ये जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए राहत देने की बात जरूर है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात करें तो जिस तरीके से भाजपा के प्रभारी बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा सह प्रभारी बनाए गए हैं, वो भी इन चीजों को लेकर लगातार मुखर हैं और राज्य की जनता को जगाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। लेकिन अब यह देखने वाली होगी कि राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार, इस विषय पर कितना चिंतित है, क्या हेमंत सोरेन की सरकार इस पर कड़ा रुख अपनाती है या नहीं। क्योंकि जब भी हेमंत सोरेन की सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे जब हमने बात की, चाहे विधायक चाहे मंत्री से बात की, उन्होंने कहा ये केंद्र का विषय है, केंद्र इस पर जल्द फैसला ले और जल्द इस चीजों को रोकेगा तो राज्य के लिए बेहतर होगा। जी आदित्य जी, जैसे कि उन्होंने बोला कि केंद्र का मामला है, केंद्र इस पे फैसला ले और केंद्र रोके, लेकिन अगर बात यहाँ पे आती है, केंद्र अगर कोई रणनीति लाती है, कोई पॉलिसी लाती है, तो सबसे पहले राज्य सरकार ही उसका विरोध करती है, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, देखिए ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि राज्य में विपक्ष की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं आपस में समन्वय तो इसमें जरूर कमी देखने को मिलती है। और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। दूसरी महत्वपूर्ण बात करें तो झारखंड राज्य में लगातार बीजेपी के दो दिग्गज खिलाड़ी और कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक प्लानर का लगातार एंट्री हो रहा है। हेमंत शर्मा कल देर शाम रांची पहुंच चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान का इंतजार किया जा रहा है। राजधानी रांची में 11 बजे महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी, अनुमंडल के जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी बीजेपी के समर्थक है, उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। और कहीं ना कहीं इन बैठक में बस एक ही चीज पर फोकस किया गया है, कैसे संथाल में डेमोग्राफी को रोका जा सके। डेमोग्राफी चेंज पर बड़ा मुद्दा है और लगातार असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा, जो कि झारखंड के बीजेपी के सह प्रभारी हैं, वो लगातार अपनी बात को लेकर अडिग हैं और लगातार हेमंत की सरकार पर, झारखंड मुखिया हेमंत सोरेन की सरकार पर लगातार हमलावर हैं। और डेमोग्राफी का एक बड़ा मुद्दा झारखंड में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। बहरहाल आदित्य, सबसे महत्वपूर्ण गौर करने वाली बात यह भी है कि डेमोग्राफी का मुद्दा क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या व्यापक असर डालेगा या नहीं, क्योंकि बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो चुनावी मैनिफेस्टो बीजेपी तैयार करेगी उसमें बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी एक अहम मुद्दा बनकर सामने आएगा। जी, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा का आपने बात जिक्र किया यहाँ पे, और असम में जिस प्रकार से उन्होंने वहां पे देखा गया था, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने निर्णय लिए, खास करके डेमोग्राफिक बदलाव को, तो काफी वहां पे आलोचना भी हुई और कुछ लोगों ने उनकी सराहना भी की। तो ऐसे में झारखंड में जब उनको यहाँ का सह प्रभारी बना के भेजा जा रहा है और बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में एक बड़ा मुद्दा बना के इस चीज को लाती है, तो कैसा क्या सपोर्ट हेमंत बिस्व शर्मा का बीजेपी को मिल सकता है, उनके अनुभव का मिल सकता है, और इससे कितना नुकसान
खास करके यहाँ की मौजूदा सरकार को हो सकता है? बिल्कुल, देखिए हेमंत विश्व शर्मा क्योंकि मास्टर स्ट्रोक प्लानर के नाम पे बीजेपी में जाने जाते हैं, उनकी एंट्री झारखंड धरती पर हो चुकी है और ये उनका सातवां दौरा है जो कि झारखंड को लगातार आगमन हो रहा है क्योंकि झारखंड के विधानसभा चुनाव के दिन अब नजदीक है। ऐसे में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहती है जिससे उन्हें सीट लूज पर भुगतना पड़े। तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार अग्रसर है। अगर बीजेपी के समर्थन की बात करें तो बीजेपी का पूरा समर्थन है क्योंकि झारखंड के बीजेपी के सह प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन लाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में क्या बीजेपी का एक बार फिर से सत्ता में वापसी होगा? क्या बीजेपी बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक बार फिर से झारखंड में सरकार बनाएगी या नहीं, ये तो संशय का विषय है। लेकिन तैयारी दोनों तरफ से पूरी कर ली गई है, एक तरफ और कह सकते हैं आदित्य इस बार का जो चुनाव होगा वो इंडिया बनाम एनडीए फोल्डर के बीच में होने जा रहा है, ये कड़ाके की टक्कर है। लेकिन अब यह देखना होगा कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे किसके खेमे कितना वोट जाता है, किसकी सरकार बनती है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन तैयारियां दोनों तरफ से है, लगातार बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा राजधानी रांची में हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी राज्य की जनता के बीच जा जाकर, क्योंकि जिस तरीका से हेमंत सोरेन 5 महीने जेल में थे उसके बाद फिर से झारखंड मुख्यमंत्री की कमान उन्होंने संभाल ली है, राज्य का एक विकास एक नए मापदंड तैयार करने के रेस में हेमंत सोरेन अब आगे निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और उस जिसका जीता जाता उदाहरण है मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना का जो लाभ है वो 48 लाख महिलाओं तक पहुंचाना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उद्देश्य है। उन्होंने कल स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में इस बात का स्पष्ट कहा है कि हमारा उद्देश्य है कि 48 लाख महिलाएं लाभान्वित को करना है और मैया सम्मान योजना का जो राशि है उनके घरों तक जाना है। कहीं ना कहीं एक चुनाव में इनका ये बड़ा फायदा पहुंचाने वाला स्टंट माना जा रहा है, बीजेपी इसे चुनावी स्टंट भी बता रही है। लेकिन अब बात करें डेमोग्राफी पे, तो डेमोग्राफी हेमंत सोरेन की सरकार पर और हेमंत सोरेन की जब सरकार जब चुनाव में उतरेगी उस पर क्या डालता है, क्या इसका असर पॉजिटिव व्यू में देखा जाएगा, क्या इसका भुगतान हेमंत सोरेन की सरकार को करना पड़ सकता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन बीजेपी इस रेस में आगे दिखाई दे रही है। राज्यपाल का भी बयान आ चुका है कि राज्यपाल ने साफ स्पष्ट कह दिया है कि ये केंद्र का विषय है और केंद्र इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लेगा और इसका समाधान करेगा। जी, क्योंकि अगर देखा जाए तो इससे पहले भी गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में इस बात को उठाया था कि हमारे क्षेत्र में खास करके संथाल प्रगन्ना में जिस प्रकार से आदिवासियों की माटी बेटी और रोटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, डेमोग्राफिक बदलाव हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं झारखंड के अतीत का जो एक पूरा झारखंड का इतिहास रहा है खास करके आदिवासियों के ऊपर जो आधारित रहा है निर्धारित रहा है, तो वो आने वाले समय में खतरे में है। और जिस प्रकार से डेमोग्राफिक बदलाव हो रहे हैं सरकार को अभी भी चेतना चाहिए और सरकार को इस पर काम करना चाहिए। और बीजेपी जिस प्रकार से मुखर हो रही है, चाहे राज्यपाल हो, सांसद हो, नेता हो, प्रभारी हो, वक्ता हो, प्रवक्ता हो, तो इससे कहीं ना कहीं ये तो साफ क्लियर हो चुका है कि बीजेपी इस बार इसी मुद्दे को भुनाने वाली है, इसी एजेंडे पे काम करने वाली है और विपक्ष को इसी मुद्दे पे घेरने वाली है इस बार। तो आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी के पास इसके अलावा और कोई मुद्दा हो सकता है क्या चुनाव में? बिल्कुल, देखिए आदित्य सबसे बड़ी बात है कि झारखंड शुरू से एक आदिवासी बहुल क्षेत्र रहा है, आदिवासियों की पकड़ आदिवासियों की संख्या झारखंड में सबसे ज्यादा है और खुद क्योंकि झारखंड राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद एक आदिवासी परिवार से आते हैं, वो आदिवासी के हित के लिए लगातार फैसले कर रहे हैं, निर्णय लिया जा रहा है, योजनाएं बनाई जा रही है। लेकिन आपकी आवाज नहीं आ पा रही है शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल आपने देखा कि सिंपल साफ तौर पे कहना यह है बीजेपी का कि जो डेमोग्राफिक बदलाव हो रहे हैं झारखंड में वो बेहद ही चिंताजनक है और राज्य सरकार इस पे काम करे और इसके साथ ही केंद्र सरकार इस पे बहुत ही गंभीर है और केंद्र सरकार जरूर इसके लिए कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाएगी।